मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हम हमारा थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने जो फूड और एग्रीकल्चर पढ़ा, फिर उसमें हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, फिर उसके बाद में डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पान सिविलाइजेशन, इसके बारे में पढ़ रहे थे हम। उसमें नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, यानी इससे यह पता चलता है कि अगर शासकों ने अपना नियंत्रण खो दिया था तो इन एनी केस, किसी भी स्थिति में द इफेक्ट्स ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, तो यह जो बदलाव का प्रभाव है वो स्पष्ट था। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंटेड ए पाकिस्तान वर अबेंडनड वाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू द न्यूयर स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड साउथ, यानी कि इस क्षेत्र के जो लोग हैं, जैसे सिंध और वेस्ट पंजाब के जो लोग हैं जो वर्तमान में पाकिस्तान में हैं, उन लोगों ने त्याग कर दिया। वाइल मैनी पीपल मूव्ड टू इंटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट्स, और कुछ लोग जो थे वो अपने नए जो छोटे छोटे सेटलमेंट्स थे टू द ईस्ट एंड साउथ, वहाँ पर प्लान कर गए। न्यू सिटीज़ इमर्ज अबाउट 14,000 ईयर्स लेटर, यानी कि जो नए शहर थे वो लगभग 1400 वर्षों बाद में उनका यानी कि इमर्ज हुए, वो पैदा उन सिटीज़ का उदय हुआ था। अब हम जो केस स्टडी है हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात, उसके बारे में स्टडी करेंगे। द सिटी ऑफ धोलावीरा वाज लोकेटेड ऑन खादिर बेट, ऑल्सो स्पेल्ड एज बेट, इन द रन ऑफ कच्छ वेयर देयर वाज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सोयल, यानी धोलावीरा जो सिटी है ऑन खादिर बेट, यानी खादिर बेट के ऊपर जो कच्छ ऑफ रन, यानी रन कच्छ का जो रन है उसमें, वेयर देयर वाज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सोयल, जहाँ बिल्कुल फ्रेश पानी और उपजाऊ भूमि है वहाँ पर स्थित है धोलावीरा। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज विच वर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, धोलावीरा वाज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, यानी हड़प्पा जो सिटी है उसको दो भागों में बांटा गया है, जबकि धोलावीरा जो सिटी है उसको तीन भागों में बांटा गया है। एंड ईच पार्ट वाज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स विद एंट्रेंस थ्रो गेटवेज, यानी धोलावीरा जो सिटी है उसको तीन भागों में बांटा गया है, और प्रत्येक प्रत्येक जो पार्ट है उसकी जो दीवारें हैं वो स्टोन से बनी हुई हैं, विद एंट्रेंस थ्रो गेटवे। देयर वाज ऑल्सो ए लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, यानी कि वहाँ पे खुला क्षेत्र है, वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, जहाँ पे जो पब्लिक सेरेमनीज हैं वो आयोजित की जाती थी। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज बैटर ऑफ द हड़प्पा स्क्रिप्ट दैट वर कार्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड परहैप्स इन लेड इन वुड, यानी जो अन्य क्षेत्र पाए गए हैं उनमें बड़े बड़े जो लेटर्स हैं हड़प्पा स्क्रिप्ट के अंदर, हड़प्पा लिपि के अंदर, जिसके ऊपर वाइट स्टोन, शायद लकड़ी का भी हो सकता है, उसके ऊपर जो लिपि है वो लिखी गई है। दिस इज़ यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील्स, यानी हड़प्पा सभ्यता के अंदर कुछ राइटिंग जैसे कि लिखने के छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे सील वगैरह है, मोरे हैं, वो भी प्राप्त हुई हैं। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड्स ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात, यानी लोथल जो सिटी है वो इसकी सहायक नदी जो है साबरमती गुजरात के अंदर जो खंबात की खाड़ी के ऊपर स्थित है। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल, यानी कि यहाँ पे जो इसके पास जो क्षेत्र पड़ता है उसमें कच्चा माल जैसे कि सेमी प्रीशियस स्टोन्स, कुछ अर्ध कीमती पत्थर वगैरह हैं जो यहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन सेल एंड मेटल, यानी यह मुख्य रूप से महत्वपूर्ण केंद्र है जहाँ पर स्टोन है, सेल है, मेटल, इनके ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। देर वाज ऑल्सो ए स्टोर हाउस, यहाँ पे एक स्टोर हाउस भी है इन द सिटी, इस शहर में।
मैनी सील्स एंड सीलिंग्स द इम्प्रेशंस ऑफ सील्स ऑन क्ले, यानी कि जो मिट्टी से बनी हुई सील्स हैं वो भी यहाँ पे स्टोर हाउस के अंदर पाई गई हैं। देखो ये लोथल के अंदर एक डॉकयार्ड दिखाया गया है कि किस प्रकार से डॉकयार्ड का निर्माण किया जाता था, जिसके अंदर नाव वगैरह जिसको हम आजकल पोतासरा कहते हैं, जहाँ पे बंदरगाह ठहरते हैं उसको डॉकयार्ड कहते हैं, तो यहाँ पे नावें ठहरा करती थी।